नमस्ते जी, मेरा नाम अनामिका है और मैं रेडियो स्नेही में काम करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं रेडियो स्नेही में काम कर रही हूँ। और बेसिकली आपने पूछा कि रेडियो स्नेही ही आपने क्यों चुना, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि रेडियो स्नेही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर आपको कोई चीज़ जैसे गाँव के स्थान से कुछ उठाना है या फिर अगर गाँव के लोगों से कुछ जाना है, तो आपके लिए रेडियो स्नेही ही बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जिससे आपको पता चलता है कि हाँ, हमारे समाज में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो अभी हम नहीं जानते, या फिर कुछ ग्रास लेवल से हम लोग काम करते हैं, जैसे जिन महिलाओं के पास उतना शिक्षा नहीं है या फिर जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है उनके पास कैसे हम लोग जानकारी पहुंचाएं, ये चीज़ पता चलता है कि वो लोग कितने पीछे हैं। और इससे बहुत मुझे अच्छा भी लगता है कि हम लोग जाते हैं, उन्हें बताते भी हैं और हमें भी कुछ जानने को मिलता है गांव के समाज के लोगों से। बहुत थैंक यू, धन्यवाद। चलिए नमस्कार, स्वागत है आप सबको N20 लाइव में। जैसा कि आपसे बता दें कि अभी हम सिवान में मौजूद हैं। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं जो रेडियो सने ही 90.4 सुनो सुनाओ प्यार बढ़ाओ, उसी के डायरेक्टर हैं मधुसूदन जी। और हालांकि इनसे बातचीत करने का हम लोग आज प्रयास किए, दौर भी बदल गया है, रेडियो की जमाना खत्म होते नजर आ रही है। कहने का मतलब है कि सोशल मीडिया का जमाना चल गया है, अभी सब लोग मोबाइल पर बिजी हैं, यूट्यूब देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, इंस्टा देखते हैं, लेकिन रेडियो के बारे में सर से बातचीत करेंगे। सर क्या हाल चाल है? जी बहुत बढ़िया है, आप आए, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी रेडियो से नहीं, आपका ये जो कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है, मतलब ठीक है। देखिए हम लोग का सामुदायिक रेडियो है और हम लोग समुदाय के बीच में रह काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि रेडियो का जमाना भले चला गया हो, लेकिन हमारे जो लिसनर्स, हमारे जो प्यार करने वाले जो लोग अभी भी गाँव में हैं, वो कहीं ना कहीं हमसे जुड़े हुए रहते हैं। और जहाँ तक बात है सोशल मीडिया और रेडियो की, है ना, तो थोड़ा सा सोशल मीडिया में एक तरह से कहा जाए तो वो समाज से उसकी दूरी बनती जा रही है, समाज और सोशल मीडिया की जैसा एक दरार पड़ रहा है कि मतलब बच्चे जो है अब सोशल मीडिया पे क्या देख रहे हैं, बच्चे बड़े क्या देख रहे हैं, कोई उसका माई बाप नहीं है, कोई क्या कर रहा नहीं मतलब उससे। लेकिन रेडियो ऐसा है कि आप काम करते हुए आप रेडियो का आनंद लीजिए और काम करते हुए अपना काम भी कर सकते हैं। सर मधुसूदन जी आपसे एक जानकारी लेंगे, जिस जमाने अभी 2009 में आपने ये स्थापना किया था रेडियो से नहीं किया, और उस समय का और अभी 2024 है, इस समय का थोड़ा सा फीडबैक बताइए कि दर्शक के कितने संख्या में अभी देखते हैं और कितने संख्या में उस समय देखते थे? देखिए संख्या की बात तो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि क्या है कि हमारे यहाँ कोई ऐसा मॉनिटरिंग वाला सेल नहीं यहाँ पे है जी। और क्योंकि हम लोग को पता तब चलता है जब हम लोग गाँव में जाते हैं सर्वे करने के लिए, और हम लोग हर 6 महीने साल भर पे 2-4-10 गाँव का एक टारगेट करते हैं और वहाँ जाकर सर्वे करते हैं, और सर्वे में पता चलता है कि कितने लोग सुने कितने नहीं सुन रहे। बाकी मैसेज आते हैं, फ़ोन कॉल आते हैं, जो लड़के बच्चे काम करते हैं यहाँ पे देखते हैं तो बच्चे, तो ये लोग काम करते फ़ोन आता है, मैसेज आता है, तो पता चलता है किस किस एरिया में हमारे लिसनर अभी मौजूद है। तो ऐसा कुछ ये नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग अंदाज लगाएंगे कम से कम 1.5 से 2 लाख के आसपास हम लोग का लिसनर है। सर अभी डिजिटल जमाना है, डिजिटल जमाने के हिसाब से आप कुछ प्रभाव भी पड़ा होगा कि भाई रेडियो में आप काम करते थे उस जमाने में, वो रिजल्ट होगा, जो श्रोता होंगे इस समय तो कुछ ना कुछ कमियां तो आई होगी। नहीं जाहिर सी बात है कमी तो अपडेशन तो होना चाहिए, और कमी तो आएगी, और कमी मतलब कमियां क्या कहेगा, जैसे मान लीजिए कि हम लोग काम कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं तो रेडियो पे काम कर रहे हैं, रेडियो पे और अभी जो दौर चल रहा है कम्युनिटी रेडियो और कमर्शियल रेडियो, दोनों में काफ़ी अंतर है। तो कम्युनिटी रेडियो क्या है कि अपने दम पे अपने मतलब रिसोर्सेज से काम करती है, और कमर्शियल रेडियो जो उसको गवर्नमेंट का और अदर जो बड़े बड़े जो एजेंसी हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा फंडिंग होता है, तो उनके प्रोग्राम में हमारे प्रोग्राम में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। हम लोग जो काम करते हैं, हम लोग धरातल पर जाके गाँव में जाके लोगों से महिलाओं से मिल के बात करते हैं, तरह तरह के कार्यक्रम बनाते हैं, अभी आप देख रहे हैं वहाँ पर लगा हुआ है हिंसापूर्ण कार्यक्रम लगा बोर्ड लगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग ग्रुप में महिलाओं के बीच जाके काम करते हैं, महिलाओं का ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप में रेडियो बटा हुआ है, महिलाएं रेडियो सुनती हैं और उनका रिकॉर्डिंग करते हैं हम लोग वहाँ पर, कहते हैं आप गाना गाइए, कविता पढ़िए या फिर कोई भी आप चीज़ बोलिए उसको रेडियो बजाएंगे हम लोग, वहाँ रिकॉर्ड करके यहाँ पर बजाते हैं और महिलाएं उसको बैठ के ग्रुप में सुनती भी हैं। तो इस तरह छोटे छोटे ग्रुप बने हुए हैं। पहले हम लोग का जो कृषि वाले जो कार्यक्रम होते थे, अभी चूँकि क्या है ना कि जनरेशन जब चेंज होता है तो वो नया चीज़ देखता है कि नया क्या मिल रहा है, अब हाथों हाथ मतलब मोबाइल हो गया है, तो हम लोग भी अपने आप को अपडेट किए, हम लोग भी ऐप लाए अपना,
क्योंकि बहुत सारे मोबाइल कंपनी जो है ना इसमें से मोबाइल में से रेडियो निकाल लिया, लेकिन हम लोग अपने ऐप लॉन्च किए और ऐप के जरिए भी लोग सुनते हैं, क्योंकि अभी कमी इसलिए पता चल रहा है ना कि देखिए ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कमी हो गया है, क्योंकि पहले क्या था लोग बड़े बड़े ट्रांजिस्टर और रेडियो बैठते थे तो पता चले रेडियो सुन रहा है, लेकिन अगर हम इसमें हेडफोन लगा के कान में सुन रहे तो कैसे पता चले रेडियो सुने कि मोबाइल पे आप गाना सुन रहे हैं। अभी भी लोग सुन रहे हैं, हर चीज़ सुन रहे हैं, लेकिन मोबाइल तो छोटा हो गया है और अभी इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है कि आपको मतलब जो अभी भारत सरकार के जो गृह मंत्रालय से आदेश दिया है कि कोई भी मोबाइल कंपनी मोबाइल बना रही है तो रेडियो वहाँ से नहीं हटाएगी, रेडियो रहेगा, रेडियो मोबाइल में देना जरूरी है, क्योंकि ये बिना डेटा का और बिना पैसे चलने वाला चीज़ है, और ऐप में क्या है कि आप डेटा रहेगा तभी चलेगा, और जब इमरजेंसी होती है कोई चीज़ भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया या फिर अन्य कोई ऐसा मतलब प्राकृतिक आपदा आ गया जिसके प्रसारण के लिए माने टावर नहीं है, टावर ख़त्म हो गया तो कौन काम करेगा, रेडियो काम करेगा, रेडियो काम करेगा। तो इसलिए गृह मंत्रालय ने स्पेशली आदेश निकाला है कि अब मतलब 2000 मतलब तो लगता है कि पिछले सरकार में 2016 के आसपास से आदेश आया था, बहुत सारी कंपनियां मोबाइल निकाल चुकी थी हेडफोन मतलब उसमें से अपना रेडियो निकाल चुकी थी, लेकिन अब रेडियो डालना एकदम आवश्यक हो गया है। तो आपदा के समय में रेडियो ही काम आता है, और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का एक बुरा प्रभाव पड़ रहा, हम बुराई नहीं कर रहे सोशल मीडिया का, लेकिन हम लोग आम देखते हैं कि सोशल मीडिया का प्रभाव इतना ना गंदा प्रभाव पड़ गया है कि आदमी आदमी से दूर होते चला जा रहा है। घर में अगर चार बंदे हैं आपके, माँ है, बाप है, पिता है, बेटा है, बेटी है, तो बेटी अलग मोबाइल देख रही है, बेटा अलग मोबाइल देख रहा है, पत्नी अलग देख रही है, आप अलग दुनिया में, किसी से किसी को मतलब किसी नहीं, कोई मतलब नहीं है, जबकि बहुत मतलब एक खतरा मंडरा रहा है, मतलब सोशल हमारे सोसाइटी है, हमारे समाज पर खतरा मंडरा रहा है कि क्या होगा इस देश का, क्या होगा इस बच्चों के भविष्य का, तो क्या देखा नहीं देखा कौन जान रहा है इसको। देखिए सर ने एक बहुत बड़ी बात बताया कि आजकल की जो दौर चल रहा है सोशल मीडिया का, आजकल चार लोग जहाँ बैठते हैं तो आपस में बातचीत नहीं करेंगे, सब लोग अपना अपना मोबाइल देखते हैं कि भाई अपने मोबाइल में क्या है, अपने मोबाइल में क्या है, लेकिन बातचीत नहीं करेंगे, नहीं बात। ये सर ने बहुत बड़ी बात बोला सर, जो रेडियो से नहीं है 90.4 सुनो 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 सुनाओ प्यार बढ़ाओ, इसको कहाँ तक आपने सोच रखा था और कहाँ तक अभी लेकर के जाना चाहते हैं? नहीं देखिए सोच तो हम लोग शुरू से ये कर चुके, हम लोग को लाइसेंस मिला है एनजीओ के जी, और एनजीओ का काम ही होता है कि वो सोसाइटी के लिए काम करें, बिल्कुल, और हम लोग मतलब गवर्नमेंट से गुजारिश मिलता है, कुछ प्राइवेट फंडिंग हम लोग मिलती है, हम लोग और सोसाइटी के लिए काम करते हैं। उसी कड़ी में हम लोग रेडियो स्नेही भी स्टार्ट किए, और रेडियो स्नेही क्या पूरे जितने भारत में जितने कम्युनिटी रेडियो हैं सबका एक ही उद्देश्य है कि आप लोग समुदाय के बीच रहकर समुदाय के लिए काम करिए। देखिए दौर हर चीज़ का बदलता है, और उसमें अगर आप पिछड़ गए या फिर उस दौर को नहीं झेल पाए तो आप पीछे हो जाएगा। ठीक है विपरीत परिस्थिति है, लेकिन परिस्थिति विपरीत होते हुए भी अगर अपने आप को खड़ा कर रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है। अभी विपरीत परिस्थिति चल रही है लेकिन हम लोग अपने आप को स्टैंड करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, और ठीक है 2009 से स्टार्ट किए है और हमको लगता है कि जब 2-4 साल का ही तो अंतर हुआ है ना, बाकी तो लोग काफी फेमस थे पहले भी, अभी भी फेमस है, लेकिन अभी उतना ज्यादा ये नहीं हुआ है। सर आपको नहीं लगता है कि भाई यूट्यूब आ गया है, फेसबुक आ गया है, इंस्टा आ गया है, तो हम भी उस पर जाकर के काम करें? नहीं, आपने जहाँ तक कहा कि यूट्यूब आ गया, इंस्टा आ गया, फेसबुक आ गया, तो हम लोग जो प्रोग्राम करते हैं यहाँ पे, हम लोग इस प्रोग्राम को हमारा चैनल बना हुआ है, यूट्यूब चैनल बना हुआ है, रेडियो सुनी के अवसर है, आप रेडियो सुनी सर्च करिएगा तो हमारा प्रोग्राम वहाँ पे जाएगा। तो हम लोग नहीं, हम लोग मतलब अपने आप को उसमें नहीं डाल रहे हैं, लेकिन वैसे चीज़ को नहीं डाल रहे हैं जो मतलब समाज में और घर में बैठ कर देखने लगनी है, बाकी तो देख ही रहे हैं अब क्या हो रहा है। तो हम लोग यहाँ जो स्वच्छ और साफ सुथरा जो प्रोग्राम होता है उसको हम लोग अपने रेडियो का जो प्रोग्राम होता है उसको भी अपने यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे, एक्स पे, मतलब ट्विटर पे जो भी है मतलब उसको डालते हैं हम लोग, और उसको मतलब हम लोग जो विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े हुए हैं तो उसको हम लोग प्रोग्राम को भेजते भी हैं, और प्रोग्राम का आदान प्रदान भी होता है। अभी आपके साथी बताते हैं गुड़गांव की आवाज़, वहाँ पर आरती जयमन करके हैं, महिला हैं, काफ़ी एक्टिव हैं वो, और प्रवासी भारतीय जो यहाँ से जाके प्रवास करके जो हरियाणा में जो काम करते हैं गुड़गांव साइड में, तो उनके और बिहारी जैसे होता है ना, बिहारी तो बिहारी है ना, तो आरती जयमन से मिल के हम लोग प्रोग्राम बनाए थे कि सारा आसमां हमारा,
अभी बार रेडियो पे कभी कभी बजता है कि हरियाणा के लोगों का बिहारियों के प्रति क्या मतलब सोच है ना, तो वहाँ पे 10 लोगों का इंटरव्यू लिए थे हम लोग, मतलब वो आती कर रही थी किसी महिला से, और हमारे यहाँ किराना नाम का लड़का काम करता था, हम लोगों ने यहाँ पे सर्वे कराया था कि उनका क्या कहना है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जो मतलब हरियाणा के लोग भी अच्छे हैं और बिहार के भी अच्छे हैं, हरियाणा के लोग ऐसा नहीं करते बिहारी है तो बिहारी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये रहा प्रोग्राम का मतलब अदल बदल, हम प्रोग्राम को देते भी हैं, प्रोग्राम लेते भी हैं, कानपुर से प्रोग्राम आता है हम कानपुर भेजते हैं, क्योंकि कानपुर में क्या है बहुत सारे भोजपुरी के भोजपुरी वाले लिसनर हैं, लिसनर वहाँ रहते हैं, उनको कहाँ से आएगा प्रोग्राम भोजपुरी का, तो हम लोग यहाँ से प्रोग्राम जो भोजपुरी का लोकल फॉक सॉन्ग होता है भेजते हैं, है ना, और वहाँ से आता है प्रोग्राम, तो प्रोग्राम का ट्रांसफर होता रहता है, तो उससे अच्छा लगता है। और बाहर चले जाइए आप चले जाइए तमिलनाडु में, वहाँ रेडियो है अन्ना रेडियो करते हैं, तो अन्ना रेडियो वहाँ भी हम कुछ दो चार प्रोग्राम वो लेते रहते हैं, वैसा कुछ भोजपुरी प्रोग्राम भेज हमारे भोजपुरी मिशन है वो नहीं सुन पाते हैं, तो वो लोग रेडियो सुनते हैं, और रेडियो से नहीं सुनते हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें रेडियो सुनने का नाम रहता है, रेडियो सुनने का नाम रहता है उसमें, रेडियो से सुनते हैं, तब रह गया कि हमारा वो हमको नहीं पता चलता है कि हमारे गाँव को कौन सुनना नहीं सुनता है, लेकिन वहाँ भी सुनते हैं। सर प्रोग्राम की बात करते हैं, आपके पास क्या कुछ प्रोग्राम का रूटीन है थोड़ा सा बता दीजिए। फिर हम लोग सुबह 6 बजे शुरू करते हैं जी, और भजन से जाहिर सी बात है कोई भी काम होता है तो भजन से चालू करते हैं, तो लोकल भजन जो है करते हैं, और फिर 3 से 4 से 5 हमारा बंद रहता है दोपहर में, और फिर शाम को रात को 9 बजे बंद रहता है। पहले 10 बजे चलता था, फिर अब चूँकि इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा वो मतलब आजकल बहुत ज़्यादा लोड पड़ गया इलेक्ट्रिसिटी, 9 बजे बंद कर देते हैं। चलिए ये मधुसूदन जी हैं, और रेडियो से नहीं को लेकर क्या कुछ अपील करिएगा तमाम जनता तमाम दर्शक तमाम अभिभावक देख रहे हैं। रेडियो स्नेही से तो हम अपील करते ही रहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, अपील कर देते हैं कि देखिए सोशल मीडिया और यूट्यूब अच्छी बात है, आपको अच्छी जानकारी मिलता है और बुरी जानकारी मिलता है, अब आप उसको ले क्या रहे हैं, ग्रहण क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा कि मतलब घर में कौन क्या देगा कोई पता नहीं चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ बुराई है, सब कुछ खराबी उसमें है, बिल्कुल उसमें बहुत सी जानकारियाँ मिलती हैं। तो मेरा अपील रहेगा कि आप लोग रेडियो सुनिए, सोशल मीडिया भी देखिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वही चीज़ देखिए जो आपको आप फैमिली के साथ देख सकें, उसको बच्चों से अपील है कि वो मतलब अपने पढ़ाई के हिसाब से जो भी ऑनलाइन कोर्स करें करें, लेकिन अनावश्यक जो वीडियो आते हैं यूट्यूब के जो मतलब नहीं चलना चाहिए, समाज में 10 लोग बैठ नहीं दे सकते, उसको अपने बंद देखिए अवॉइड करिए, और रेडियो सुनिए, क्योंकि रेडियो के लिए आपको आँख नहीं लगाना पड़ेगा, कान लगाना पड़ेगा, काम करते रहिए अपना रेडियो सुनते रहिए। चलिए मधुसूदन जी है, हालांकि इनसे बातचीत करने का प्रयास किया, बात भी हुआ और अच्छा सा जानकारियाँ भी दिए, और आजकल के दौर के लेकर के भी हमने बातें किया। चलिए सर बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।